ओके तो भाई आज स्मैकडाउन के स्टार्टिंग में हमें फेटल फाइव वे मैच देखने को मिला और मैं पर्सनली यहाँ पर कंफ्यूज था कि भाई आखिर विनर इस मैच के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले किसको बनाने वाली पर है। इसके आगे हमें क्या कुछ देखने को मिला इस मैच के अंदर हम सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले चैनल पर पहली बार है तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें स्मैकडाउन का स्टार्टिंग देखने को मिलता है। जे उसो जिमी उसो दोनों बैक स्टेज से आ रहे हो तो उनको बीच में इंटरप्ट करते हमारे पॉल हेमन। और भाई आज तो यहाँ पर पॉल हेमन पूरा जोर जोर से गला लग रहे थे यहाँ पर जे उसो को। उनको पता था रोमन इज इनके लिए बहुत ज्यादा चिंता में। उसके बाद पॉल हेमन यहाँ पर बोलते हैं मुझे बहुत खुशी हुई, ब्लड लाइन को बहुत ज्यादा खुशी हुई, तुम ब्लड के अंदर फिर से वापस आए। उसके बाद यहाँ पर जे उसे बोलते हैं पॉल हेमन से कि अगर रोमन रेंज अगर मिलेगा तो उसको सीधे कह देना मैं उसे बुला रहा हूँ रिंग के अंदर। देखिए आज के शो के स्टार्टिंग में जे उसे जिस तरह से बात किए ये देखने से साफ तरीके से पता चलता है कि हाँ जे उसे अभी भी सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है रोमन रेंज के। उसके बाद फिर हमारी रिपोर्टर भी आते हैं, रिपोर्टर भी सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। लास्ट मंडे नाइट रॉक ऊपर आई थिंक क्यों अटैक किया आपने सैमी जेन के ऊपर, तो इसके ऊपर जिमी उसो का जवाब आता है कि सबसे पहले ये तुम बताओ कि कोडी रोड्स उस मैच के अंदर क्यों सेफ करने आया सबसे पहले सैमी जेन। देन उसके बाद हमें फेटल फाइव वे मैच हमें स्मैकडाउन के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल गया। और भाई सही में क्या ही क्वालिटी था इस मैच के अंदर मैं बता नहीं सकता। पांचों जो कंटेंडर थे बहुत टफ कंटेंडर थे इस मैच के अंदर, चाहे वो हमारे एले नाइट हो चाहे हमारे कैरियन क्रॉस, सारे लोगों ने बहुत कमाल का यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया। इस मैच के अंदर हमें सेमस का बीट्स ऑफ वॉरान भी देखने को मिला, आई थिंक वो तीन से चार रेसलर को लगाए थे। इस मैच के लास्ट में एक्चुअली होता क्या, सेमस और ड्रू मैकेंटायर दोनों रिंग के अंदर खड़े रहते हैं, उसके बाद सारे रेसलर को ऑलरेडी धो चुके और अब फाइनली ये दोनों के बीच में फाइट करना यहाँ पर बाकी था। तभी हमें क्या देखने को मिलता है एले नाइट और जैबरपुर दोनों अटैक कर देते हैं इन दोनों के ऊपर, ये दोनों अपना अपना फिनिशर भी लगा देते हैं उन दोनों के। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये मैच एक्चुअली ट्रिपल थ्रेड ही होने वाला है, तो भाई दोनों एक टाइम पर यहाँ पर पिन किए, दोनों एक टाइम पर यहाँ पर विनर घोषित हुए। वैसे मैं आपको बता दूं अभी तक ये ऑफिशियल नहीं हुआ है कि ये दोनों विनर है कि नहीं, पर हाँ कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस चीज को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि अभी भी हम कंफ्यूज हैं इस मैच के अंदर कौन विनर है, हम डिसाइड करेंगे थोड़ा टाइम बाद। पर हाँ अब आप ये बात 100% कंफर्म मान लो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था आपको ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलेगा इस बार का रेसलमेनिया के अंदर। वैसे इस मैच के विनर के बारे में नहीं बात करने वाला क्योंकि भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तीनों रेसलर बहुत ज्यादा वर्दी है एक्चुअली में इस चैंपियंस बेल्ट को जीतने के। वैसे आपका ख्याल इसके बारे में सारे लोग कमेंट्स के अंदर जरूर बताएगा कि इस मैच का एक्चुअल विनर कौन होने वाला है। और हाँ सारे के सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेगा, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो। और जिन लोगों को भी मेरे से पर्सनली चैट में बात करना भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे पर्सनली चैट में बात करता हूं। और आपको ये वीडियो पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं सारे लोग।